हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू क्रिएटेड अमित क्लासेस, न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। मायसेल्फ अमित, आज की क्लासों में जो डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों, वो बोथ और स्ट्रीम जैसे टॉपिकों से ढेर सारे क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक बने रहें और आज का जो सेशन होने जा रहा है दोस्तों, आज मजेदार सेशन है, इस सेशन का मजा लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं अपनी सेशन का। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 दोस्तों, कहता है एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा की विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी दोस्तों। ये क्वेश्चन पीओ 2006 में पूछा गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रॉब्लम को क्या करते हैं, बड़ी आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं। चलिए, क्या क्या दिया हुआ दोस्तों क्वेश्चन में, गिवन में दिया हुआ दोस्तों बी प्लस डब्ल्यू इजकल टू क्या होता है दोस्तों, किलोमीटर दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ, तो हमको नाव की चाल धारा के साथ ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। तो बी प्लस डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, डी बटे टी हो जाएगा दोस्तों। तो डी बटे टी हो जाएंगे तो हम डी कितना दिया हुआ है 24 बटे समय कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ दोस्तों। अगर इसे ज्ञात कर लेंगे मुझे क्या निकल जाएगा, नाव की चाल धारा के साथ कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर बराबर। उसी तरह कहेंगे विपरीत दिशा में इसका जब निकालेंगे दोस्तों तो डी बटे टी होता है दोस्तों। तो डायरेक्शन तो डिस्टेंस तो 24 है दोस्तों, समय कितना लगता है विपरीत दिशा में तय करने के लिए, तो 6 लगता है और इसको कटा देंगे दोस्तों तो 8 हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर दोस्तों। तो फाइंड आउट क्या करना है दोस्तों, बोट की चार्ज कितने होंगे। अगर इक्वेशन इसको 1 मान ले दोस्तों, इक्वेशन इसको 2 मान ले, तो दोनों इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोस्तों, तो बी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 6 और बी माइनस डब्ल्यू बराबर 8 दिया हुआ दोस्तों। यदि हमको बोट की चार्ज ज्ञात करना है तो जोड़ देंगे दोनों इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा 2b इक्वल टू 8 प्लस 6 इक्वल टू 14, देयरफॉर बी इक्वल टू 14/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 7 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों, क्लियर दोस्तों। चलिए फिर से समझ लेते हैं, बी प्लस डब्ल्यू का सबसे पहले समझ रहे दोस्तों, ये क्या है, नाव की चाल धारा के साथ, इसलिए मैंने लिखा बी प्लस डब्ल्यू, उसको फाइंड आउट कर दिए। फिर कहा दोस्तों विपरीत दिशा में, तो बी माइनस डब्ल्यू नाव की चाल विपरीत दिशा में कितने होंगे, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ था इससे हम ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए मैंने वही किया। तो बी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो दिया था इतना किलोमीटर हो गया, दोनों फर्स्ट एंड दोनों को क्या मान लेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो दोस्तों बी बराबर कितना हो जाएगा 7 किलोमीटर बढ़ा लो, क्लियर दोस्तों। चलिए आप एक छोटी सी स्क्रीन शेयर ले लीजिए। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न मैं थोड़ा रख कर लेता हूं दोस्तों, चलिए तेजी से कीजिए दोस्तों। आरएस अग्रवाल की एक्सरसाइज है दोस्तों, सारा प्रश्न इसका हम लोग सॉल्व कर देते हैं, जो कि बोट और स्ट्रीम से किसी भी एग्जाम में अगर प्रश्न आवे दोस्तों तो आप लोग फंसे नहीं, क्लियर दोस्तों। चलिए सेकंड प्रश्न कहता है दोस्तों, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती है, तो धारा का वेग कितना होगा। एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती है, तो धारा का वेग कितना होगा। चलिए दोस्तों इस प्रश्न को कैसे सोल्यूशन करते हैं हम लोग शॉर्ट में, फिर उसी तरह सोल्यूशन लिखेंगे दोस्तों। क्या ज्ञात करना, पहले सबसे पहले बी प्लस डब्ल्यू नाव की चाल धारा के साथ दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों, किलोमीटर में दिया हुआ तो डी बाई टी लिख रहे हैं, और 8 डिस्टेंस दिया हुआ किलोमीटर, टाइम कितना दिया 1 आवर, तो मेरा चाल कितना हो गया
8 किलोमीटर पर आवर दोस्तों। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, फिर नाव की चाल विपरीत दिशा में दोस्तों कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर तय करता है दोस्तों, कितने में, एक घंटे में, तो कितना हो गया दोस्तों 2 किलोमीटर पर आवर इसको स्क्वायर सेकंड मान लीजिए। कहता है दोस्तों क्या ज्ञात करना, धारा की चाल, तो धारा क्या ज्ञात करना, धारा ज्ञात करना है। दोनों इक्वेशन से लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 को करेंगे दोस्तों, दोनों को क्या कर देंगे, लिख करते हैं एक जगह, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसको क्या कर देंगे, हम घटा देंगे इक्वेशन को, तो मेरा वोट बी वी कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 2W इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसलिए W बराबर कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। वेरी सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए दोस्तों एक बार फिर से समझ लेते हैं हम लोग। किलोमीटर दिया हुआ था दोस्तों, समय दिया हुआ था, उसके बाद धारा के विपरीत दिशा में भी किलोमीटर दिया हुआ था और समय दिया हुआ था, दोनों से फाइंड आउट क्या कर लिया हम, नाव की चाल धारा के साथ ज्ञात कर लिए, नाव के चाल धारा के विपरीत दिशा में ज्ञात कर लिए, दोनों इक्वेशन को मान लिए दोस्तों फर्स्ट एंड सेकंड, और दोनों को घटा दिए, तो मेरा क्या फाइंड आउट हो गया, धारा की चाल ज्ञात हो गया। क्लियर दोस्तों, क्लियर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, तेजी से फटाफट सॉल्व कर दीजिए, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन हमने बोला था पिछले क्लास में कि आर एस अग्रवाल के दिए गए जितने भी बोर्ड और स्ट्रीम से प्रश्न हैं हम सारा सॉल्यूशन करवाएंगे दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, एक नाभिक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर गति से तथा धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर की गति से नाव खेलता है, तो धारा का वेग कितना होगा, धारा का वेग कितना होगा, तो चलिए ज्ञात करते हैं दोस्तों इस प्रश्न को, इस तरह सॉल्यूशन करते हैं। चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए दोस्तों, क्या क्या दिया हुआ है, बस उसी तरह नाव की चाल धारा के साथ कितना होगा, बी पर बी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डी बाई टी, किलोमीटर कितना दिया हुआ है 1 किलोमीटर दिया हुआ है दोस्तों, टाइम 5 मिनट दिया हुआ, 5 मिनट टाइम दिया हुआ, तो इसको हम क्या करेंगे, घंटे बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 × 5 = 60 हो जाएगा दोस्तों, 1/1/12 लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर बराबर हो जाएगा दोस्तों। ये मेरा स्पीड निकल गया किसके साथ, नाव की चाल धारा के साथ। फिर उसी तरह फाइंड आउट कर देंगे विपरीत दिशा में नाव की चाल धारा के साथ, धारा के विपरीत दिशा में निकालेंगे चाल दोस्तों, कितना हो जाएगा, तो कितना किलोमीटर करता है 6 किलोमीटर की गति 1 घंटे में देख रहा था, तो किलोमीटर डिस्टेंस मुझे 6 किलोमीटर है और आवर 1 घंटा दिया हुआ है, तो 6 किलोमीटर पर आवर हो गया दोस्तों। अज्ञात करने क्या बोलता है, धारा का वेग। क्लियर दोस्तों, चलिए दोस्तों इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 तो बी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 12, बी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 6 दोस्तों क्या करता है, तो घटा देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, धारा की चाल ज्ञात हो जाएगा, ये 6 हुआ दोस्तों, डब्ल्यू इक्वल टू 3 किलोमीटर बराबर हो गया, ये मेरा आंसर निकल गया। क्लियर दोस्तों, चलिए फिर से समझते हैं हमें क्या बोल रहे, बी प्लस डब्ल्यू का मतलब हुआ दोस्तों, सबसे पहली बात ये समझ जाइए कि किसी बोट की चाल धारा के साथ कितना है, तो अगर हमें डिस्टेंस मालूम हो, समय मालूम हो, तो ज्ञात कर सकते हैं उसकी स्पीड, मैंने स्पीड ज्ञात कर लिया, उसी तरह विपरीत दिशा में नाव की चाल का स्पीड ज्ञात कर लिया, दोनों को इक्वेशन 1 and 2 मान लिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए दोस्तों, सब्ट्रैक्ट करने के बाद डब्ल्यू बराबर ज्ञात कर लिए, धारा का नाव की चाल धारा की चाल ज्ञात कर लिए। क्लियर दोस्तों, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, तो मैं रब कर लेता हूं। चलिए तेजी से फटाफट, चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों कि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि धारा की गति 2 किलोमीटर पर आवर हो तो शांत जल में नाव की गति कितनी होगी। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि धारा की गति 2 किलोमीटर पर आवर हो
तो शांत जल में नाव की गति कितनी होगी। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को हल किस तरह करते हैं, आइए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन, याद करेंगे नाव की चाल धारा के साथ v प्लस डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, d बाई टी। तो हमको किलोमीटर कितना दिया हुआ है, 12 किलोमीटर दिया हुआ है दोस्तों। t कितना लगता है, 48 मिनट लगता है। 48 को 60 से भाग देंगे किलोमीटर में, इसे कटा दीजिए, बर्तन से छोटी वस्तु पर 48 12 5 60 तो 12 बटे 4 और गुना ऊपर चल जाएगा 5 तो कितना हो जाएगा, 12 5 60 बटे 4 इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है दोस्तों, धारा की गति दिया हुआ है, धारा की गति दिया हुआ है दोस्तों 2 किलोमीटर पर आवर। तो क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, नाव की गति v इक्वल टू फाइंड आउट करना है। तो चलिए इक्वेशन इसे 1 मान लेते हैं, इक्वेशन इसे 2 मान लेते हैं। तब हम दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से क्या करते हैं, v प्लस w इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 15 और w इक्वल टू दिया हुआ है दोस्तों 2। अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये कैंसिल हो जाएगा, v इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 किलोमीटर पर आवर। क्लियर दोस्तों, चलिए फिर से समझ लेते हैं इसको। चलिए दोस्तों हमें किलोमीटर दिया हुआ था, समय दिया हुआ था धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में अगर ये दो चीज दिया हुआ है दोस्तों तो हम क्या कर सकते हैं, नाव की चाल धारा की दिशा में निकाल सकते हैं उसकी स्पीड। वही मैंने किया, बी प्लस डब्ल्यू बराबर दिया हुआ था 12 किलोमीटर था, 48 मिनट था, 48 मिनट को मैंने क्या किया घंटे में बदला, 60 से भाग दिया तो फाइन कितना निकल गया, 15 किलोमीटर बराबर, और डब्ल्यू मुझे मालूम था 2 किलोमीटर बराबर। तो दोनों इक्वेशन को क्या किए, 1 and 2 माने, उसके बाद क्या कर दिए दोस्तों घटा दिए, तो बोर्ड की चाल में 13 किलोमीटर बराबर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए छोटी छोटी क्वेश्चन है, चलते रहेंगे बड़ी बड़ी क्वेश्चनों की ओर धीरे धीरे। चलिए रफ करते हैं दोस्तों इसको, थोड़ा क्लास लंबी होने जा रही है इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, हमें लगता है सबको समझ में आता होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न कहता है दोस्तों, प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 कहता है दोस्तों कि एक मोटर बोट बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लेते हैं तथा बहाव के विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है, तो स्थिर पानी में बोट की चाल कितनी होगी। फिर से सुन लीजिए दोस्तों, एक मोटर बोट बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लेते हैं तथा बहाव की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटे लेते हैं, तो स्थिर पानी में बोट की चाल याद करें। तो क्या दिया हुआ दोस्तों, हम इसे पहला क्या कर देंगे, चलिए देखते हैं इस प्रश्न को किस तरह हल करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या निकालेंगे दोस्तों, नाव की चाल धारा के साथ v प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डिस्टेंस दिया हुआ d बाई टी। तो डिस्टेंस कितना मालूम है दोस्तों, 9 किलोमीटर है, कितने समय में लेता है, 2 घंटे में लेता है दोस्तों। इसे फाइंड आउट कर देंगे तो कितना जाएगा, 4.5 किलोमीटर पर आवर। उसी तरह विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, नाव की चाल d बटे टी इक्वल टू सेम डिस्टेंस है 9 है, कितना समय लगता है, 6 घंटे लगते हैं। इसे कटा दीजिएगा तो 3 हो जाएगा, 3/2 1.5 किलोमीटर पर आवर दोस्तों। तो क्या ज्ञात करना कहता है दोस्तों, बोट की चाल ज्ञात करें, बोट की चाल फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से दोस्तों, तो बी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 4.5, बी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 1.5। अब इसे बोट क्या करना है, तो जोड़ देंगे दोनों इक्वेशन को, तो 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 6 हो जाएगा, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर दोस्तों, हमने क्या किया कि d मुझे मालूम था धारा की दिशा में, मतलब डिस्टेंस मालूम था, समय मालूम था, तो मैंने क्या निकाल दिया पहले, बोट की चाल धारा के साथ कितना होगा, तो 4.5 किलोमीटर हो गया दोस्तों। उसी तरह धारा, बोट की चाल धारा के विपरीत दिशा में
कितनी चाल हो गया उसी तरीका पे 1.5 किलोमीटर के। जब दोनों पता हो गया दोस्तों तो दोनों इक्वेशन से क्या कर दिए, जोड़ दिए। जोड़ने के बाद मेरा बोर्ड की चाल पता हो गया 3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा गर्मी है यहाँ, आप लोगों के प्यार मुझे बुला लेते हैं, खींच लेते हैं बताने के लिए। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या। एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाश खेल सकता है तथा उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं, तो उसके शांत जल में चाल की धारा की चाल से क्या अनुपात है। क्लियर दोस्तों, फिर से सुन लीजिए आप। एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खेल सकता है तथा उसकी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं, उसकी शांत जल में चाल का धारा की चाल से क्या अनुपात होगा। तो चलिए दोस्तों एकदम सिंपल सी है, हम फर्स्ट वीडियो में ट्रिक बताए थे इस तरह के प्रश्नों को किस तरह सॉल्यूशन करते हैं, तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि क्योंकि डिस्टेंस समान हो, दूरी समान हो, तो ट्रिक है दोस्तों क्या, बोट या मेल की चाल बटे धारा की चाल इक्वलिटी होता है दोस्तों समय का योग बटे समय का अंतर। क्लियर दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि जब डिस्टेंस समान होगा तो उस परिस्थिति में हम लोग इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, बोट या आदमी का चाल बटे धारा की चाल बराबर समय का योग बटे समय का अंतर। बस उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे और हम लोग फाइंड आउट कर देंगे क्या, तो समय तो क्या दिया हुआ है दोस्तों इस उसमें, चलिए देखते हैं। समय दिया हुआ है 15 मिनट, ठीक है। चलिए और इस प्रश्न में हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी रेशियो इसको हमको निकालना है, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं, तो समय का योग कितना हुआ दोस्तों, समय का योग हो गया आपका कितना, 15 मिनट दिया हुआ है, 15 प्लस 10 मिनट होता है, 15 माइनस 10 कर दीजिए, इसका जब हो जाएगा क्या, चाल बटे धारा की, फिर भी लिख लेते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, बी बटे डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 बटे 5 घट गया दोस्तों, ये कैंसिल हो गया, यहाँ 1 हो गया, आइकन पर 4। क्लियर दोस्तों, कितना सिंपल था। अगर इस तरह का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा दोस्तों सिंपल से याद रखना, अगर यदि डिस्टेंस समान हो और तो समय डिफरेंट हो तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, बोट की चाल बटे धारा की चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, समय का योग अब बटे समय का अंतर। तो बस समय का योग समय का अंतर दे दिया, घटा दिया और निकल गया रेशियो मेरा। क्लियर दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसको रफ कर देते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों इतना प्रैक्टिस करवा देंगे बोट और स्टीम जैसे टॉपिक से, किसी भी प्रकार का प्रश्न किसी भी तरह से आप लोगों से पूछेंगे एग्जाम में तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न कहता है दोस्तों, कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है
वह धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है, उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में उसे कितना समय लगेगा। कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है, यह धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है, तो उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फटाफट करते हैं इसको, किस तरह बनाते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले क्या है दोस्तों सॉल्यूशन, क्या दिया हुआ है दोस्तों, बोट की चाल कितना मालूम है हम लोग को, 36 किलोमीटर बराबर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, और बोट की चाल धारा के विपरीत दिशा में दोस्तों निकाल लेते हैं हम लोग, क्या होता है डी बाय टी होता है दोस्तों। तो 56 डिस्टेंस कितना दिया हुआ, 56 दिया हुआ है, इसको जाने में कितना समय लगता है, 1 घंटा 45 मिनट लगता है। 1 घंटा 45/60 अगर कर देंगे तो इसको कटा देंगे दोस्तों, कितना लगेगा, 15 + 45 15 × 60 तो क्या 56 × 4 = 7/4 56/7 × 4 कर देंगे दोस्तों, 8 × 56 = 32 किलोमीटर बराबर। ठीक है दोस्तों, इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लिए। ठीक है, चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से क्या करेंगे हम, बी बराबर अगर 36 किलोमीटर दिया हुआ है दोस्तों, और बी बराबर 36 किलोमीटर दिया हुआ है, बी प्लस बी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 32। दोनों क्वेश्चन को क्या कर देंगे हम लोग, वाट को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, तो घटा देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा दोस्तों, ये कैंसिल्स, डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर बराबर। ठीक है, अब कहता है दोस्तों उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली बात है कि धारा के अनुकूल का मतलब ये हुआ दोस्तों कि धारा के साथ तय करने में कितना समय लगेगा, तो धारा के साथ तय करने में सबसे पहले निकाल लेते हैं हम लोग दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ पे बना लेते हैं, धारा के साथ तय करने में दूरी क्या होगा, बी प्लस डब्ल्यू, बी मालूम हो गया कितना, 36 किलोमीटर, डब्ल्यू मालूम है 4 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर, यानी जी 40 किलोमीटर धारा के साथ नाव की चाल कितना हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर हो गया। जब ये इतना पता हो गया तो अब पूछता है क्वेश्चन में कि उतनी ही दूरी को तय करने में धारा के साथ नाव को कितना समय लगेगा। हमें पता है चूंकि उतनी ही दूरी मतलब कहने का अर्थ हो कितना समय लगेगा। ठीक है, तो चलिए, तो 40 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना लगता है, 1 आवर लगता है, इसलिए 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना लगेगा, 40 लगेगा दोस्तों, और कितना, 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना लगेगा, बोलो दोस्तों, 140 × 36। क्लियर, अब इसको सॉल्यूशन करेंगे जब 36 ये 56 किलोमीटर दोस्तों। ठीक है, गलती लिखा गया था, 56 किलोमीटर हो गया दोस्तों, जब आप इसे सॉल्यूशन करेंगे कितना हो जाएगा, 8 × 56 = 45 बराबर हो गया 1 × 2 आवर्स। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसको घंटे मिनट में देखना चाहते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, तो आप इसको क्या कर दीजिएगा, 60 से भाग दे दीजिएगा, 60 से जब भाग लगेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 से इतना आवर हो गया। चलिए इसको आप थोड़ा और आगे बढ़ना चाहते हैं, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फिर मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, कि ये घंटा हो ही गया। ठीक है, 12 × 5 = 60 हो गया, 12 × 2 = 24 मिनट हो गया, ये हो गया हमारा समय। क्लियर दोस्तों, चलिए फिर से देख लेते हैं एक बार। चलिए देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ था बोट की चाल कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया था, बोट की चाल विपरीत दिशा में कितनी होगी, किलोमीटर मालूम था, समय मालूम था, उसको बदल करके हम घंटे में लाए और 32 किलोमीटर पर आवर स्पीड निकल गया, बोट की चाल
धारा के विपरीत दिशा में दोनों इक्वेशन को फर्स्ट सेकंड माने और उसके बाद क्या किया घटा दिया, तो उससे हमको क्या ज्ञात हो गया, डब्ल्यू ज्ञात हो गया, मतलब धारा की चाल ज्ञात हो गया। जब धारा की चाल ज्ञात हो गया तो फिर प्रश्न कहता है दोस्तों कि बोट की चाल धारा के साथ, बोट की चाल धारा के साथ कितना होगा, पहले वो तो पता होना चाहिए ना, पहले तो उसको पहले मालूम किए बोट की चाल धारा के साथ कितना हो गया। तो जब टॉर्क मालूम है, बोट की चाल मालूम है 36 किलोमीटर, धारा की चाल हमने ज्ञात कर लिया 4 किलोमीटर, दोनों को जोड़ दिए 40 किलोमीटर पड़ा था। तो क्वेश्चन कहता था दोस्तों कि उतनी ही दूरी को धारा के दिशा में तय करने में कितना समय लगेगा। जब हमें पता हो गया दोस्तों कि एक घंटे में 40 किलोमीटर रहता है, 40 किलोमीटर एक घंटे में तय करता है, तो एक किलोमीटर कितना घंटे में तय करेगा भैया, तो 1/40 कर दिए। उसके बाद क्या बोला, 56 किलोमीटर डिस्टेंस था ना, 56 किलोमीटर डिस्टेंस तय करने में कितना समय लगेगा, तो 1/40 × 56 कर दिए दोस्तों, मल्टीप्लाई के कटिंग पटिंग करके आपको क्या हो गया 7.5 आ गया आपका, ठीक है आवर्स। तो इसको क्या कर दिया फिर हम 7.5 आवर्स को क्या करें मिनटों में भी चेंज कर दिया, तो जब पूर्णांक में निकला 1/2/5 हुआ, तो 1/2/5 × 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों, तो कितना समय लग गया 1 hour 24 minutes। क्लियर दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, रफ कर लो। किसी भी प्रकार का दोस्तों प्रश्न अगर आते हैं फुट और स्ट्रीम के किसी भी एग्जामों में, तो आप सारे का सॉल्यूशन बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। अब बोर्ड स्ट्रीम आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर मेरे सेशन को शुरुआत से देख रहे हैं, तो जो नहीं देख रहे हैं तो शुरुआत से आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं, ट्रिक के साथ भी है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न कहता है दोस्तों कि किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किलोमीटर पर आवर है, यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में मोटर बोट 1 घंटा 20 मिनट का समय ले, तो उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में कितना समय लेगा। क्लियर दोस्तों, फिर से समझ जाइए, किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किलोमीटर पर आवर है, यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में मोटर बोट 1 hour 20 minutes का समय ले, तो उतनी ही दूरी को धारा के विपरीत दिशा में तय करने में वो कितना समय लेगा। बस सेम क्वेश्चन था पिछले जैसा, चलिए देखते हैं फिर भी। चलिए सॉल्यूशन, चलिए दोस्तों क्या दिया हुआ है दोस्तों, बोट की चाल कितना दिया हुआ 45 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। चलिए इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लीजिए, उसके बाद क्या याद करना है, बोट की चाल धारा के साथ V+W = कितना हो जाएगा दोस्तों, तो D/T चाल बराबर होता है ना, तो D/S समय, तो चलिए उसी तरह के लिखे हैं, तो कितना दूरी तय करता है 80 किलोमीटर करता है, कितने समय में करता है दोस्तों 1 घंटा 20 मिनट में, ठीक है 1 hour 20 मिनट को अगर 60 से भाग दे देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 3, तो 80/3 हो गया, 4/3 हो गया दोस्तों, तो 80/4 × 3 कर दिए, तो इसको कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, क्लियर। चलिए इतना दूर अगर कहीं दिक्कत नहीं है तो चलते हैं अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोस्तों, ठीक है। चलिए मैं लिख लेता हूं, V = कितना दिया हुआ 45 किलोमीटर, और B+W मतलब धारा के साथ क्या कितना है नाव की 60 किलोमीटर। अब क्या करना है, बोट मालूम तो W ज्ञात करना है मेरे को, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा दोस्तों कैंसिल हो गया, -W = -5 1 - कैंसिल, और W बराबर हो गया 15 किलोमीटर पर आवर। जब धारा की चाल मालूम हो गया, बोट की चाल मालूम हो गया, तो प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, कहता है उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में कितना समय लगेगा। बस सिंपल दोस्तों, प्रश्न से यहाँ पे लिखता हूं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो विपरीत दिशा का मतलब क्या कहने का, तो आप बी माइनस डब्ल्यू, बी माइनस डब्ल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों
बोर्ड की चाल कितना दिया 45 और धारा की चाल कितना ज्ञात करें 15। अगर इसको घटाएंगे तो हम लोग को कितना हो जाएगा 0.3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, ये निकल गया, क्लियर। अब कहता है प्रश्न, क्या कहता है, तो धारा की नॉट उतनी ही दूरी को धारा की विपरीत दिशा में तय करने में कितना समय लगेगा। जब हमें पता चल गया दोस्तों क्या कि 30 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में तय करने में कितना समय लगता है, 1 आवर लगता है, क्योंकि इसलिए 1 किलोमीटर कितना तय करने में लगेगा 1/30, इसलिए कितना दूरी है दोस्तों, दूरी कितना है 80 किलोमीटर है। चलिए दोस्तों 80 किलोमीटर के लिखने में कितना हो जाएगा 1/30 × 80 टेंसिस 8/3 और इसको हम क्या करेंगे दोस्तों मिनटों में चेंज कर देंगे, 3 × 6 पूर्णांक को पहले ला लेते हैं, 3 × 6 हो गया और यहाँ बच गया 2/3। अब इसको क्या सीध लिख सकते हैं हम लोग, इस तरह भी लिख सकते हैं अगर लिखने का मन है तो, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए मिनट में बदलने के लिए, ये 20 हो गया तो आंसर हो जाएगा 2 आवर्स और 40 मिनट, ये टाइम लगता है हमारा, क्लियर दोस्तों। चलिए फिर से समझ लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी प्रश्न को। प्रश्न में दिया हुआ था दोस्तों कि बोट की चाल कितना है 45 किलोमीटर पर आवर, फिर मैंने क्या निकाला बोट प्लस मतलब कि बोट की चाल धारा के साथ कितना पर V+W/dT था किलोमीटर मालूम था 80 और समय दिया हुआ था तो उसका फाइनल आंसर क्या 60 किलोमीटर पर आवर क्या निकाल दिया हम नाव की चाल धारा के साथ निकाल दिए, क्लियर। चलिए फिर इक्वेशन 1 माने 2 माने दोनों को क्या कर दिया सबट्रैक्ट किया, सबट्रैक्ट करने के बाद हम क्या फाइंड आउट हो गया W मीन्स धारा की चाल कितना हो गया 15 किलोमीटर बराबर हो गया। फिर दोस्तों मैंने क्या किया नाव की चाल विपरीत दिशा में धारा के साथ कितना होगा, तो जब बोट की चाल मालूम था धारा की चाल फाइंड आउट किया था दोनों को कर दिया, इससे क्या निकाल लिए हम नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर बराबर। अब प्रश्न कहता है दोस्तों कि नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में उतना ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो हमें पता हो गया दोस्तों क्या कि नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में क्या होता है 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा लेता है, इसलिए 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना मिनट लगेगा तो 1/30, उसके बाद 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना लगा एक ही नियम से तो 1/30 × 80 कर दिया जो फाइंड आउट हुआ उसको कर दिया तो निकला 2 × 2/3, उसके बाद 2/3 को क्या किए हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई इसलिए किया दोस्तों उसको मिनटों में चेंज करना था तो मिनटों में चेंज करते थे समय बराबर कितना 2 आवर्स 40 मिनट, ये मेरा आंसर, क्लियर दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपके स्क्रीन पे ये रहा, एक तैराक धारा के विरुद्ध 11.1/4 मिनट में 3/4 किलोमीटर की दूरी तय करता है तथा वहां से वापिस 7.1/2 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है, शांत जल में तैराक की चाल कितनी है। एक तैराक धारा के विरुद्ध 11.1/4 मिनट में 3/4 किलोमीटर की दूरी तय करता है तथा वहां से वापिस 7.1/2 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है, तो शांत जल में तैराक की चाल कितनी है। तो चलिए दोस्तों बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, इसको आसानी से हल करेंगे हम लोग, चलिए देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए और फिगर ड्रॉ करिए, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग एक तरह धारा के विरुद्ध इतना मिनट में इतना किलोमीटर जाता है, ठीक है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 3/4 किलोमीटर, ठीक है, तैराक है स्विमर है भैया तो ये चलता है कितना मिनट में जाता है T = 15/2 मिनट, ठीक है, फिर वापस कितना मिनट में होता है ये सुमेर बाबा T = 45 7×14 होगा ना, बिल्कुल वहां वापिस होता है, ठीक है, विरुद्ध इतना लगता है और ये 45 मतलब धारा के साथ था 15/5 आपका 15/2 मिनट लगता था इसको और ये जो है बंदा धारा के साथ कितना लेता है लौट रहा है ना, तो आप इसको
धारा के साथ में इसको यहाँ पर आप ऐसे लिख दीजिए अच्छा रहेगा समझने के लिए, तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसको आप लिख दीजिए समय कितना 15/2। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले हम धारा के विपरीत ज्ञात कर लेते हैं स्पीड क्या, तो डी बटे टी होता है दोस्तों, तो डिस्टेंस कितना मालूम है 3/4 किलोमीटर, और समय कितना होता है धारा के विरुद्ध 45/4, और इसको 60 से भाग देंगे घंटे में बदलने के लिए, इसको आप सॉल्यूशन कर दीजिएगा क्या हो जाएगा 60 × 4/45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इसी तरह धारा के विपरीत क्या, धारा के साथ क्या हो जाएगा दोस्तों 3/4 सेम डिस्टेंस है ना, समय कितना लगता है 15/2 × 60 कर दीजिएगा 2 × 60/15 तो 15 × 60 कैंसिल 6 किलोमीटर पर आवर, इतना तक दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। चलिए इक्वेशन 1 मानिए, इक्वेशन 2 मानिए, ज्ञात क्या करना है दोस्तों, तैराक की चाल स्विमर का चाल ज्ञात करना है। ठीक है, सॉरी बी मत रखिए, हाँ एस रखिए तो सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, चलिए इक्वेशन सुनते, इक्वेशन 1 और 2 एस माइनस डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया, एस प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 6 हो गया, इसको क्या कर देंगे स्विमर का चल है जोड़ देंगे कट गया 2s बराबर हो गया 10, इसलिए s बराबर हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, नहीं समझे, चलिए फिर से समझते हैं। देखिए a और b दो कोई दूरी दिया हुआ है, ठीक है, कोई स्विमर है मतलब नदी का दूरी दिया हुआ है रोड का नहीं है। ठीक है, कोई स्विमर है मतलब वो चलता है क्या धारा के साथ, वो कितना मिनट लगता है 45/4 मिनट में वो धारा के साथ चलता है 3/4 किलोमीटर की दूरी तय करने में, ठीक है ना, उसके विपरीत में उस समय कितना लगता है 15/2 लेता है। ठीक है, तो कहता है कि स्विमर का चाल ज्ञात करें, हमने क्या किया सबसे पहले स्विमर का चाल क्या ज्ञात किया, धारा के विपरीत दिशा में कितना होता है तो डिस्टेंस 3/4 था, और समय कितना लग रहा था 45/4 लग रहा था, ठीक ना, तो कर दिए 4 किलोमीटर बराबर हो गया, उसी धारा के साथ कर दिया 6 किलोमीटर, दोनों को क्वेश्चन को जोड़ दिया घटा दिया और 5 किलोमीटर बराबर निकल गया। क्लियर, चलिए दोस्तों आज हम लोगों ने आदर्श अग्रवाल जैसे बुक से एक्सरसाइज जो थे उसका सारे क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व किए बी डब्ल्यू के फार्मूले से। यदि आज का आप लोगों का सेशन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ढेर सारे दोस्तों के पास शेयर कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासों में नए प्रश्नों के साथ बोर्ड और स्ट्रीम, तब तक के लिए आप अपना रखें ख्याल, थैंक यू।